ये आ गई भाई हमारी राजधानी एक्सप्रेस और इसके ऊपर पूरा का पूरा खाना लगा हुआ हमारा, आप देख सकते हो ऐसे ही सर्व होगा। ये है भाई साहब रेशम दा ढाबा का पराठा, सांड के ऊपर सांड बैठा हुआ है। राजमा चावल है, ओ भाई साहब मतलब बढ़िया से मिक्स कर रखा है, जैसे कि एक्चुअली में हमारे को घर में पसंद है ना। तो ये एक ऐसा पराठा फैमिली पराठा कि यहाँ पे आके फैमिली का इसको एंजॉय कर सकते हो। ये आ चुका है आपका गोलगप्पा प्लेटर। इस बार अगर मूर्था लाओगे ना तो मैंने बता दिया पुरानी जगह नहीं जाना, नई जगह लेकर आया हूँ आपको, इस बार बोर नहीं करूँगा। जिसके भी कपड़े प्रेस करने ये वो, ओए ये तो पराठा, ये तो वो है भाई पास्ता। पूरा मिक्स पराठा है, ऊपर काजू वाजू सब डाल रखा है, खोया डाल रखा है ऊपर बढ़िया से। मैं हुक्का नहीं पीता पर ये देख लो ये दे रखा भैया ले। भाई आज खिलाता हूँ तेरे को भाई मूर्थल के ऐसे पराठे की मजा आ जाएगा भाई। चल मूर्थल निकल चल। ओ भाई मैं नहीं जा रहा मूर्थल, तू गाड़ी चला ले, मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, क्योंकि तू मूर्थल ले जाएगा वहाँ पे पराठे खिलाएगा मक्खन वाले और कहेगा चल अब दीपन वापस चल। इस बार भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ मैं ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं खुद अपनी फैमिली लेके जाता हूँ, और इस बार मैं भी रिसेंटली गया भी था भाई साहब। बाहर पूरी की पूरी एक्टिविटी है बच्चों की, अंदर भाई नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स, और सर पे चार वेटर खड़े रहते हैं, इतनी बढ़िया सर्विस है। और मूर्थल का सबसे बिगेस्ट पराठा मिलता है यहाँ पे पक्का। चल तो सही तो बताता हूँ मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, चल फटाफट। तो भाई आप देख सकते हो भाई सब मतलब कि पूरा फन जोन बना रखा है, टॉयज है, गिफ्ट गैलरी है, जग्गा कन्फेक्शनरी, पिकल शॉप, हर एक चीज है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रेशम का ढाबा आना है, फटाफट दिल्ली से आना है, और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बुजुर्ग के लिए भी। सारी एक्टिविटीज़ है, एरोप्लेन है, बाहर आपका ऊँट खड़ा हुआ है, सांड के ऊपर सांड भी दिखा दिया मैंने आपको बैठ के, और अंदर फूड तो भाई मतलब इतना बढ़िया, और इट्स अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। आप खुद देख सकते हो भाई सारे के सारे फैमिली वाले बैठ के फूड इन्जॉय कर रहे हैं अपना बढ़िया से। एक काम करते हैं भाई हम भी अपना फटाफट ऑर्डर करते हैं और फटाफट टेबल पर लगाते हैं सारा खाना और आपको टेस्ट करवाते हैं। देखो भाई साहब बढ़िया सी दाल मखनी है भाई, शेफ भी आ गया हमारा। और ये क्या शेफ, ये आ गया भाई कढ़ाई पनीर। जैसे जैसे ऑर्डर आएगा इसके अंदर पनीर डलता जाएगा। और ये क्या चीज़ है, ये बटर मसाला सर, पनीर बटर मसाला। भाई साहब ग्रेवी देख एकदम मज़ेदार ग्रेवी है बढ़िया सी। ये सिंपल दाल तड़का है भाई, बढ़िया सी दाल चने की दाल खानी हो तो। एंड ये क्या भैया, मिक्स वेज, बढ़िया सी मिक्स वेज। मतलब खाना ना आपको ऐसा मिलेगा एकदम बढ़िया वाला। ये पालक पनीर है, जैसे ही ऑर्डर आएगा गर्मा गर्म आपके सीधा टेबल पे। और ये आ गए भाई साहब बढ़िया से गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तो भाई सारा का सारा खाना कौन सा ना एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन, और नॉर्थ इंडियन फूड है मज़ेदार। और ये देख लो भाई साहब, ये देख लो भाई साहब, ये यहाँ पे आपके सारे के सारे वेज स्टार्टर्स लग रहे हैं। ये सब प्योर वेजिटेरियन और सारा का सारा वेज कुछ है एकदम मज़ेदार। पनीर लगा हुआ है, पनीर की अलग अलग वेराइटी लगी हुई है, मशरूम भी है, सीख कबाब भी है, हर एक चीज़ है, सारा का सारा वेज है। और ये देखो भाई साहब मूर्थल आए हो अगर आप, और मूर्थल वाले पराठे ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है। ये भाई साहब आपके लिए एकदम बढ़िया से मूर्थल के पराठे लग रहे हैं मज़ेदार, जिसको वाइट बटर के साथ इंजॉय करेंगे हम। देखा अरे एक दो तीन चार पांच तंदूर लगे टोटल, लगातार सर्विस ऐसी कि भैया रुकते नहीं है, हाथ चलता रहता है। और जो ढाबा है, जो रेशम का ढाबा है, वो प्योर मतलब मैं कह रहा हूँ वेजिटेरियन, प्लस 24 आवर्स ओपन आपके लिए। अगर आप दिल्ली में बैठे हो, मौसम बढ़िया है, फटाफट अपने जूते चप्पल पहनो, गाड़ी की चाबी उठाओ और गेड़ी मारने निकल जाओ, जैसे हम आए हैं। ये देखो भाई साहब, अब अगर मूर्थल आ रहे हो भाई पराठे खाने के लिए, तो ये एक ऐसी चीज़ है भाई, ये हर किसी का ना मतलब बोलूँगा पंजाबियों का एनेस्थीसिया है। लोग कहते हैं कि भैया लस्सी से नशा चढ़ता है, भाई नशा तो असली चाय से चढ़ता है। क्या बात है भाई साहब, ये है एक्चुअली में। और हर दिल्ली वाले को पता है भाई कि अगर पराठे खाने और चाय पीनी है ना, तो रात के 12 बजे भी सीन बन सकता है मूर्थल का। तो फटाफट भाई अपने दोस्त को टैग करो और आ जाओ कहाँ पे, रेशम दा ढाबा, जहाँ पे भाई आपको हर एक चीज़ मिलेगी, बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक खुश होकर जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखो भाई साहब, ये है भाई यहाँ का सिग्नेचर पराठा, और ऐसे ही सर्व होगा। ये है भाई साहब रेशम दा ढाबा का पराठा, रेशम दा पराठा है ये। और आप देख सकते हो भाई कितनी सारी सब्जियाँ हैं और कितना बड़ा पराठा है, मतलब कि यू कांट इवन ईट अलोन। इसको भैया खाने के लिए आपको साथ में और बंदे लाने पड़ेंगे, देख सकते हो भाई कितना बड़ा पराठा है। तो ये एक ऐसा पराठा फैमिली पराठा कि यहाँ पे आके फैमिली का इसको एंजॉय कर सकते हो। अब दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी सब्जी है और फिर टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। वो देख भाई किसी और का पराठा जा रहा है। तो जब भी कोई यहाँ पे आके रेशम का पराठा ऑर्डर करेगा ना, वो घंटी बजा के ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये सिग्नेचर पराठा। ये देखो भाई साहब, ये आ चुका है आपका गोलगप्पा प्लेटर, और इस गोलगप्पे के साथ आपको 5 तरीके के पानी भी मिलेंगे। ये देखो,
पांच तरीके के पानी मिलेंगे आपको इसके साथ। ये हरी मिर्च वाला है, ये आपका जीरा वाला है, ये आ गया आपका भाई साहब मीठा पानी, ये आ गया आपका हींग वाला, और लास्ट आ गया आपका अमरूद का पानी। ये सारी चीज़ें साथ में स्टफिंग दे दी है, अपने आप बनाओ और अपने आप झूला झूलो। ये देखो भाई साहब ऐसे आता है भाई यहाँ पे खाना ट्रेन में। ये आ गई भाई हमारी राजधानी एक्सप्रेस और इसके ऊपर पूरा का पूरा खाना लगा हुआ हमारा, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। अब मैं बढ़िया से दिखाता हूँ आपको क्या क्या मंगवाया खाने के लिए, और इन्जॉय करते हैं भाई फूड अपना फर्स्ट क्लास। ये है जी कुकर, आप देखोगे ना ये एकदम बढ़िया से कुकर है, ये आपके टेबल पे आएगा और इसके अंदर एक्चुअली में राजमा चावल है। ओ भाई साहब मतलब बढ़िया से मिक्स कर रखा है, जैसे कि एक्चुअली में हमारे को घर में पसंद है ना वैसे वाले राजमा चावल है। साथ में मंगाई है दाल मखनी, ये मंगाई है भाई काजू करी, लच्छा पराठा, दाल मखनी और लच्छा पराठा, और साथ में नान आया, और ये जिसके भी कपड़े प्रेस करने हैं ये वो, ओए ये तो पराठा, ये तो वो है भाई पास्ता। तो भाई बच्चों के लिए पास्ता भी है, साथ में चाइनीज़ फूड भी है, इंडियन फूड भी है, हर एक चीज़ है, मज़ेदार। एक बार फैमिली आ गई ना गारंटी दे रहा हूँ उसने आपका सिर खा जाना कि भैया अगले संडे फिर वहीं जाना। तो भाई पराठा करता हूँ भाई मैं स्टार्ट, टेस्टिंग करता हूँ। इतना बड़ा पराठा भाई, डाइटिशियन भी ना मेरी यार, मेरे को चेंज करनी पड़ेगी डाइटिशियन, इतना बड़ा पराठा यार मैं पेट पेट ही नहीं भरेगा यार। ये लो भाई साहब दाल मखनी के साथ, ओए होए ओ भाई पूरा मिक्स पराठा है, ऊपर काजू वाजू सब डाल रखा है, खोया डाल रखा है ऊपर बढ़िया से, भाई टेस्ट लाजवाब है। पनीर बटर मसाला, ओए भाई साहब सारी सब्जियां ना पूरी ढाबे वाली सब्जियां हैं। मैं तो कह रहा हूँ भैया नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका मन करे ना कुछ खाने का ढाबे वाला, तो फटाफट गाड़ी उठाना और मूर्थल आओ, मूर्थल में आके आप भैया कुछ नई जगह लेकर आया हूँ, मैंने बताया था पुरानी जगह नहीं लेके जाऊँगा, नई जगह लेके जाऊँगा, रेशम का ढाबा आओ और इसको इन्जॉय करो। भाई पराठा वाकई बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया भाई। और ये देख लो भाई मेरा सेक्सी सा ड्रिंक, मैं हुक्का नहीं पीता पर ये देख लो, ये दे रखा भैया ले पूरा स्टाइल है, हुक्के वाला स्टाइल है। ये है अपना ग्रीन एप्पल है, ग्रीन एप्पल मोहितो। ओ भाई साहब मज़ेदार। और ये है इनका पैशन फ्रूट, ये ले भाई। भाई फूड ऐसा फूड कि भैया हर एक बंदा खुश हो जाए यहाँ पे आके। इस बार अगर मूर्थल आओगे ना तो मैंने बता दिया पुरानी जगह नहीं जाना, नई जगह लेकर आया हूँ आपको, इस बार बोर नहीं करूँगा, फटाफट आ जाओ रेशम का ढाबा ये सब चीज़ें इन्जॉय करने के लिए। ये देख कुकर वाले राजमा चावल, भाई खाना लाजवाब है, मज़ेदार। मैं ये क्यों खा रहा हूँ, मैं तो ये खाऊँगा भाई, ये पराठा जो दिया है ना भाई वाकई में मज़ा आ गया। और इसका जो ये है ना ये सब्ज़ी पनीर बटर मसाला, ये लाजवाब सब्जी एकदम मज़ेदार। अमेजिंग। हाँ जी मुझे लगा तू प्रेस कर रहा कपड़े। बच्चों के लिए ट्रेन थीम लगा रखी है भाई, दाल मखनी ये ले, अरे कटोरी में नहीं खाता मैं, बढ़िया सी दाल मखनी डाली और सिरके वाला प्याज इसमें से उठा लो, ये लो भाई सिरके वाला प्याज। भैया ये देसी फूड है हमारा, देसी फूड, ये जो जितने भी साथ में आएंगे ना हमारे बड़े बुजुर्ग उनको मैं स्पेशली ये दिखा रहा हूँ कि भैया दाल रोटी कौन सी सब्जी बोलोगे वो सब्जी कस्टमाइज बन जाएगी एकदम बढ़िया वाली। पता क्या है सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आपने देख लिया, इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट, आराम से लोग बैठ कर इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे आपके अगर बोर हो रहे हैं तो बाहर पूरा प्ले जोन बना हुआ है जहाँ पे अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं, कैमल राइड ले सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। वाह एक और पराठा जा रहा है भाई, ये ऐसा पराठा है कि आप अगर तीन चार बंदों के ग्रुप में आ रहे हो ना तो ये तो ऑर्डर मतलब कि मस्ट ऑर्डर है, मस्ट ऑर्डर। आप देखना बहुत सारे टेबल्स पे ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और लोग खा रहे हैं इनका, ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ पे। भाई मैं तो ये खाना खा रहा हूँ अपना फर्स्ट क्लास इन्जॉय करता हूँ, और अगर आपको भी खाना है फटाफट आ जाओ रेशम का ढाबा, गूगल मैप का लिंक डाल रहा हूँ,
जब आप दिल्ली से आओगे ना तो आप जो जितने भी फेमस ढाबे हैं जो पहले थे वो सब पार करते ही आपको यह नज़र आ जाएगा। रेशम ढाबा बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इंजॉय करो फूड और हमें बताना आपको कैसा लगा गुड़ वाली चाय के साथ। ये एक वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चेयर्स।